नमस्कार मित्रों, आज हम लोग दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप जो लिबर्टी पे है उस पे हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं एंड जो राइडर हैं हमारे साथ ही इज ऋषिकेश, ही बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ पुणे। सो पुणे अभी विख्यात है आईटी, जैसे मैप पे एवरीबडी नोज पुणे। सो ऋषिकेश जो है, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी संडे को करोलबाग गफार मार्केट में एंड ही इज़ ऑन अ बाइक, ही इज़ ऑन अ इंडिया टूर। इनका इंडिया टूर जो है स्टार्टेड समवेयर इन 2019, इफ आई एम करेक्ट। यस यस। सो ऋषिकेश हैज डन सोलो ऑन द बाइक, ही हैज विजिटेड द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ही हैज विजिटेड केरला, कर्नाटका, ऑल कोस्टल नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल रूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या Coastal route of south. Yes. Yeah, and I covered all the northeast. Okay. So you look up there, and this way. Yeah. Hold this. Take off your cap. Keep it on the hand, I think. Okay. Look there. Yeah. So you can tell about your journey. आपको कैसे, how did you start? आपको कब आया ये mind में कि मेरे को हिंदुस्तान, भारत घूमना है? So. एक्चुअली मैं पुणे से हूँ और मैं राइड कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, काफ़ी 10-15 साल हो गए। मैं सिर्फ शॉर्ट राइड्स करने का पुणे के पास, पर अभी जब कोरोना आया सब बंद हो चुका था और रिस्ट्रिक्शंस कर्फ्यू सब चालू था, पर मेरा ड्रीम था हर बार कि ऑल इंडिया ट्रिप करूँ और सब देखूँ। और मैं पैशनेट राइडर हूँ, मैंने राइडिंग काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कभी टाइम नहीं मिला या चांस नहीं मिला कि मैं देखूँ सब। तो ये टाइम मेरे को मुझे लगा कि आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटी टू विजिट ऑल ओवर इंडिया एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट। ओके। तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि ऑल इंडिया करूँ, पर मेरा इरादा था कि देखूँ। तो मैंने पहले गोवा से स्टार्ट किया, गोवा गया, गोवा देखा और गोवा के बाद में गया आगे, फिर कर्नाटका गया, फिर केरल गया, साउथ इंडिया। तो पुणे नहीं गए ना? नहीं, ऑनवर्ड जर्नी चल रहा है। हाँ, मैं जैसे घर छोड़ा, हाँ, फिर बोला कि गोवा जाएंगे एंड बैक। 15 गोवा, राइट, 15 नवंबर 2019 आई वेंट टू गोवा, राइट। एंड उसके बाद मैंने एक्चुअली फिफ्टीन के बाद मैं आगे गया, कर्नाटक गया, तमिलनाडु गया, चलते गया, देखते गया, ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस या पिक्चर्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स और पिक्चर्स में देखी थी। आपने गोवा में कितना टाइम स्पेंड कर रहा? ऑलमोस्ट फोर टू सिक्स डेज। फोर टू सिक्स डेज, यस। एंड गोवा में वाज इट द बीचेस आपने देखा उस टाइम? यस, आई वाज स्टेइंग इन बैकपैकर्स हॉस्टल। हाँ, तो मैं उधर रह रहा था बैकपैकर्स हॉस्टल में, जिसका नाम था आई फॉरगॉट। दैट्स ओके विद पर्टिकुलर पंजिम? नो, वैगाटोर। ओके, दैट इज नॉर्थ गोवा एक्चुअली। ऑलराइट। तो वैगाटोर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस इन गोवा, नॉर्थ गोवा, जहाँ ऑल ओवर से बैकपैकर्स घूमने आते हैं एक्चुअली। और मैं काफ़ी सालों से गोवा जा रहा था क्योंकि पुणे से सबसे पास में वेकेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कोई भी यंगस्टर जाता है जो गोवा को जाता है। ओके, गुड। तो मैं काफ़ी सालों से जा रहा था। तो उसके बाद आप बोलिए। हाँ, नहीं, अभी एक सवाल तो आपका बाइक के बारे में था स्टार्टिंग में। हाँ, बिकॉज जो भी वीडियो देखेंगे हम लोग का तो उनको बाइक राइडर्स होंगे, यू नो। सो व्हाट बाइक इज दिस? This is a KTM 390 Duke. And since how long you've been riding this bike? I've been riding this bike from past 5 years now. 5 years. Yes. So it was not a new bike. No. It is an old bike. It is an old bike, but the thing was कि मैं ये bike city riding के लिए कभी निकलता नहीं था। नहीं निकलते। मेरा जब मैं पुणे में था, मेरा city riding में सिर्फ 13,000 किलोमीटर हुआ था। और अभी मेरा 36,000 किलोमीटर। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट। यस। सो दिस बाइक इज
available in India or you had to import it from Austria? No. It's available in India. It's available in India. Actually, there's an Indian production house in Chakan. Right. Who produces KTMs. Okay. For India. Right. For Indians. They have collaborated with Bajaj India, but they have their own brand, KTM Duke. Right. Or KTM. My bike is KTM Duke 390. KTM Duke 390. Yes. Right. And this is a 400cc? Yes, it's a 390cc. 390cc. CC. Very good. And the cylinders, technically. It has a 45 bhp horsepower. Okay. And here it has 11 liter petrol tank. Yes. Okay. And aapne mujhe bataya ki normally in your ride you're getting around 25 kilometers run. That's what company says. Yes. When I bought the bike, company said 25 kilometers. I have never tested because jo average milti hai bike ki actually riding conditions pe rehti hai. Yes. No, agar suppose you were to drive from Pune to Goa. So aapka kitna distance tha Pune to Goa? Around 7 to 800 kilometers. Yeah. And was it through the Bombay, Mahabaleshwar? No. We have a different route. For direct? Yeah. Okay. We don't have to go to. We have to go to Kolhapur and then Kolhapur to Goa. So that route I have also traveled. Yes, that's only route. In a four-wheeler, in a car, I drove. That's from a good road. Yeah. So there went the hilly. So that time, aapka jo 700-800 mein tha, to aapko refilling karwana pada hoga many times. Almost first fill tha 800 rupees, second fill tha 900 rupees. Okay. Or fuel rates, petrol rates ke badhne ke vajah se. That is the issue. I was like facing lot of trouble. And you were having some issues ki because I don't see any separate, you were not carrying the petrol. What? Emergency petrol, you're not carrying. No. That you don't need to carry. You were able to find the petrol pumps. Petrol pumps are easily available. On highways, it is easily available. Unless until you don't go to a hilly area. Right. You don't have to worry about carrying a petrol pump. So you were like taking it into account before you say everything was planned. Everything was considered. Right. Uska bhi aapne jo total running kiya, it's about 9 months. Now we are in the month of August. Aapne November mein shuru kiya, and you're in Delhi. So isme aapko beech mein service ka zarurat pada? Haan. Maine almost 4 baar servicing kiya. 4 baar kiya. Normal to nahi zarurat padta. 3 se 4 baar servicing kiya. पर पार्ट्स के हाउ यू प्लीज कम सर आइए एक बार हाँ कम अच्छा वन मिनट